हे गाइस, होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, करत करत अभ्यास ते जन्मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे परत निशान। क्या मतलब है? कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप अपने आप को जो है परफेक्शंस की तरफ लेके चलेंगे। लेकिन क्या प्रैक्टिस जो है अंधाधुन करने की ज़रूरत है या प्लान के साथ करने की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनको सही प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उसकी प्लानिंग तो हो ही नहीं रही होती है। बस आँख उठाए, 10 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छा 10 मिनट में सॉल्व होगा, ओ हो, कैसे सॉल्व करें? एक क्वेश्चन ले लिया, घंटों भर लगे पड़े उस क्वेश्चन के लिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं? नहीं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एक प्रॉपर प्लानिंग, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। और प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी प्रैक्टिस की क्या होती है? एक सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करिएगा कि आपके साथ जो है होता क्या है कि हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जामिनेशन हॉल पर। उस क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट होता है, जो कि हम कभी टाइम लिमिट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते ही नहीं। हम क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस कर रहे होते? जितने मन टाइम चल जाए, जितने आर्स आ जाए, जितनी चीज़ें आ जाए, उस हिसाब से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहा हो। ऐसे क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस होता है। जो इतने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं CSIR के लिए, गेट के लिए, DBD के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, उन सभी चीज़ों के लिए जो है आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन का एक टाइम लिमिट सेट कर दीजिए। सिर्फ इतना ही प्लान है, टाइम लिमिट सेट करना है भैया। हर एक क्वेश्चन जो घर पे आप कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपने एक टाइम लिमिट सेट कर दिया, 2 से 3 मिनट। अगर वो क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में आया तो ठीक, नहीं तो ये समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत है उस टॉपिक को। अगर सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन करते वक्त अगर आप टाइम लिमिट में ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो आप इंडिविजुअली ही क्यों ना सॉल्व कर रहे हो, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज या क्लास में ही क्यों ना सॉल्व कर रहे हैं, सेट अ टाइम, आपको उतने ही टाइम में जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि CSIR टाइम बाउंड जो है वो आंसर्स मांगता है। आपसे ये नहीं कहता कि आप ये आधे घंटे में एक क्वेश्चन सॉल्व करो, 3 घंटे में इतने क्वेश्चन करवाने हैं उसको भाई। इवन गेट को, DBD, सभी का एक टाइम लिमिटेशंस होता है, आप उसके अकॉर्डिंग जब सॉल्व करोगे तब ना, जब नहीं करोगे तो कैसे होगा? सो दैट्स वाई सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन करते वक्त आपको एक टाइम सेट करना है। इसके बाद दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन जो गलत होते हैं, उन क्वेश्चंस को गलत करने के बाद आप उन टॉपिक्स को पढ़िए कि आखिर आपसे गलती क्या हुई। कई लोग कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहते, वो जैसे चल रहा है चलने दो, वो ऐसे ही स्ट्रेटेजी पे बिलीव करते हैं, कालीन भैया वाली, ठीक है चलने दो। नहीं, आपको क्या करना है, जो भी गलती हो तुरंत उसको पढ़ो कि आखिर ये क्वेश्चन में मुझसे सॉल्व हुआ क्यों नहीं, मुझे गलती क्यों किया। क्योंकि आप गलत तभी करते हैं जब आपके पास फॉल्स कॉन्फिडेंस हो, सीडो कॉन्फिडेंस हो, कि आपको लगता है कि वो टॉपिक आपको आता है लेकिन आपको सही में नहीं आता, या आपके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो, आपको कॉन्सेप्ट ही आपने गलत समझ रखा है, तो इससे गलत होता है। जब आप ये चीज़ पढ़ेंगे, जब आप ये चीज़ देखेंगे, तभी ना आपसे जो है वो चीज़ फर्दर इम्प्रूव होगी। सो ये चीज़ आपको करना है कि भैया मुझसे जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है, ठीक है, ये चीज़। एंड द थर्ड पॉइंट कि जब भी आप पहली पॉइंट मैंने क्या बताया था कि आप टाइम लिमिट क्वेश्चन सॉल्व करिए, दूसरी पॉइंट अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसको इम्प्रूव करिए, और तीसरी पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस फ्रॉम एनीवेयर, एनी सोर्सेज, फ्रॉम लाइफ साइंस और जिस भी फील्ड के आप। कई लोगों को लगता है कि मैं इस CSIR की तैयारी कर रहा हूँ तो सिर्फ CSIR के पेपर कर रहे हैं, DBT का कर रहा हूँ तो सिर्फ DBT का करना है। नहीं, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आपको हर एक एग्ज़ाम का जो है उससे रिलेवेंट जो भी है उन सभी के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आँख मूंद के खा जाइए पूरे क्वेश्चंस को, एकदम कहते स्वाहा अहम ब्रह्मास्मि, वो वाला आपके पास आना चाहिए। जब वो आएगा आपका क्वेश्चन, एकदम उसके कॉन्सेप्ट एकदम चूस डालिए, एकदम उसका रस निकाल के पी जाइए। जब आप उस सारे क्वेश्चंस को एकदम कंप्लीट तरीके से खा जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि कल को जब वो क्वेश्चन दोबारा कॉन्सेप्ट रिपीट होगा तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। तो पहली चीज़ ये है कि टाइम बाउंड, दूसरी चीज़ है अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव करें, और तीसरी चीज़ ये है
कि हर एक तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और किस टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं वो भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।